गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है. इसे आप मार्केट एग्रीगेशन स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं. ये सेगमेंटेशन के उल्टा है. सेगमेंट में आप क्या करते हो, डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हो पूरी मार्केट का, लेकिन यहाँ पर आप पूरी मार्केट को ही कवर करते हो. तो ये मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर जो कंपनी है अपनी टारगेट मार्केट को एक ही मानती है और उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स वो नहीं बनाती, क्योंकि उसे लगता है कि अनकॉमन नीड्स पर्सन की नहीं है. तो जो कंपनी है वो फोकस करती है ऑन द सेंटर ऑफ द मार्केट मैक्सिमम एडवांटेज के लिए. ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये इग्नोर करती है कि जो कस्टमर है, ये स्ट्रैटेजी इग्नोर करती है कि जो कस्टमर है उसकी डिफरेंट डिमांड्स हो सकती है, और सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट को वो कंपनी लेके आती है मार्केट में पूरी मार्केट के लिए. तो जो कॉमन नीड्स हैं लोगों की, उस टाइप के वो प्रोडक्ट बनाती है जिससे जो सारे कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए. और इस टाइप की जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें आप सेम एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं सभी टाइप के कस्टमर्स के लिए, सेम प्रिंसिपल पे सेम प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड है, सेम पैकेजिंग है, सेम प्राइस है, सेम मार्केटिंग प्रोग्राम है. और इसका एग्जांपल हमने ऊपर भी किया था, जो हमारे पीछे हमने लेक्चर टॉपिक किए, कि हमारा जो कोको कोला कंपनी थी जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ आई. इस टाइप की स्ट्रैटेजी अगर कंपनी फॉलो कर रही है तो वो मास प्रोडक्शन करती है, मास डिस्ट्रीब्यूशन करती है और मास एडवर्टाइजिंग करती है. वो अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करती है कंपटीशन से. और अंडर अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो फर्म है वो सिर्फ एक ही मार्केटिंग मिक्स बनाती है. देन नेक्स्ट जो हमारा है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो आप कर रहे हो सिंगल ब्रांड नेम के अंडर करते हो, कॉमन नीड्स जो है कस्टमर की उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, एक टाइप एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं आप और एक ही मार्केटिंग प्रोग्राम यूज़ करते हैं, एक मार्केटिंग मिक्स होता है पूरी मार्केट के लिए, और प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो फर्म्स हैं वो यूजुअली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती हैं. एडवांटेजेस क्या है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के, सिंपल प्रोडक्ट लाइन, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ब्रांड पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, इजी एडवर्टाइजमेंट है, क्विक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है कंज्यूमर्स को, और कॉस्ट ऑफ इकोनॉमीज मिलती है आपको इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड रिसर्च. डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है तो जो कस्टमर के इंटरेस्ट है उसको इग्नोर किया जाता है, लॉन्ग रन में ये सक्सेसफुल नहीं होती है. इनकरेज करती है प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन जिससे जो प्रॉफिट्स हैं आपके रिड्यूस्ड हो जाते हैं और सिर्फ फ्यू ही कंपनीज हैं जो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करती है. देन नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. इसे हम मार्केट सेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं. इस स्ट्रैटेजी के अंदर आप कंज्यूमर्स को ग्रुप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इनकम, एज, सेक्स, एजुकेशन, प्रोफेशन, रिलीजन एसेट्रा, और जो होल मार्केट है उसे आप सेवरल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल है आपका हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चर करता है सेवरल ब्रांड सोप के, लक्स भी है, रिक्सोना भी है, हमाम, जेल, रिल, प्योर्स, डॉ एसेट्रा. और आप देखेंगे ये जो हर एक ब्रांड है मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड ही कर रहा है, लेकिन हर एक ब्रांड की अपनी मार्केट है. जो डव को यूज़ करने वाला टारगेट ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा, जो पियर्स को यूज़ करने वाला है वो डिफरेंट होगा, जो लिरल को यूज़ करने वाला है वो डिफरेंट होगा, जो लक्स रेक्सोना को यूज़ करने वाला है वो डिफरेंट होगा. तो हर एक ब्रांड की अपनी खुद की मार्केट है. और इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हायर सेल्स कंपनी को मिलती है, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी और हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे. इसीलिए जो मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स हैं वो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करती है. करेक्टरिस्टिक्स क्या है स्ट्रैटेजी के, मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी है, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, प्रोडक्ट लाइन इस स्ट्रैटेजी के अंदर ज़्यादा लार्ज होती है, प्रोडक्ट्स जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो करते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट सेगमेंट, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करते हो और आपकी सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों इंक्रीज होते हैं. देन डिसएडवांटेजेस क्या है, कई बार अननेसेसरली जो प्रोडक्ट मिक्स है फर्म का इंक्रीज हो जाता है, देन पर यूनिट जो कॉस्ट है आपकी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, देन आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है
जब आप रिसर्च कर रहे हो टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सेगमेंट्स। और यहाँ पे आपको सेपरेट एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ता है हर एक सेगमेंट के लिए, जिससे आपकी प्रमोशनल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट इज योर कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जो मार्केटर है वो एक पर्टिकुलर एरिया और सेगमेंट के ऊपर फोकस करता है, बजाय बहुत सारे सेगमेंट्स के पास जाने के या टोटल मार्केट में जाने के। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ स्मॉल शेयर ऑफ अ लार्ज मार्केट, जो फर्म है वो एक लार्ज शेयर जो है पूरी मार्केट का उसके ऊपर फोकस करेगी, या फिर फ्यू सब मार्केट्स के ऊपर वो फोकस करेगी। तो जो कंपनी है वो कंसंट्रेट करती है सिर्फ एक ही एरिया पर। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं वीके पब्लिकेशंस की बुक है, तो वो सिर्फ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की बुक्स ज़्यादा छापते हैं। देन सेम तरीके से आपके जो जॉनसन एंड जॉनसन्स लिमिटेड है वो सिर्फ बेबी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। रेमंड है वो सिर्फ मेंस क्लोथिंग बनाता है। लैक्मे है वो सिर्फ फीमेल कॉस्मेटिक्स बनाता है। तो ये कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेगमेंटेशन बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल फॉलो होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आप करते हो वो वाला जो बेस्ट सुटेड है मार्केट नीड्स के लिए, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आप अट्रैक्ट करते हो टारगेट मार्केट में, और ब्रांड मोनोपोली आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? आपकी सारी जो एफर्ट्स होंगी वो कंसंट्रेटेड होंगी सर्टेन मार्केट में, ताकि आप उसमें गुड पोजीशन गेन कर सको। और क्योंकि सिंगल काइंड ऑफ प्रोडक्शन हो रही है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। देन पॉसिबल ऑप्टिमम यूज हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज का। देन और जो भी आपकी मार्केटिंग एफर्ट है, क्योंकि आप कंसंट्रेट एक ही मार्केट पे कर रहे हो, तो बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर्स को। डिसएडवांटेजेस क्या है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के? पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन इंक्रीज हो जाती है, रिस्की है, अगर आपने गलत सेगमेंट चूज कर लिया तो जो फर्म की एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में आ जाती है। और ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि आपने अपने सारे जो एप्पल्स हैं एक ही बास्केट में रख लिए हैं, या सारे एग्स हम कहते हैं नॉर्मली कि एक ही बास्केट में आपने रख लिए हैं, अगर एक बास्केट ही गिर गई तो सारे के सारे जो एग्स हैं वो फूट जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और अंडर दिस स्ट्रैटेजी जो कंपनी है फर्म है वो कंसंट्रेट एक मार्केट पे इतना करती है कि जो दूसरे सेगमेंट्स है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रूव हो सकते हैं वो उनको छोड़ देती है। देन नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि जब आप मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हो और मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया आपने, उसके बाद आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिसाइड कर रहे हो, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें आपने कंसीडर करना है? सबसे पहला है कंपनी के रिसोर्सेज। मार्केट सेगमेंटेशन सिर्फ एक ब्लूप्रिंट ही नहीं है, इसमें हैवी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है। तो आपकी कंपनी में कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन सिलेक्शन ऑफ दी स्ट्रैटेजी। जैसे अगर कंपनी के पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो वो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना सकती है। अगर कंपनी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो वो या तो डिफरेंशिएटेड चूज कर सकती है या अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकती है। देन प्रोडक्ट होमोजेनिटी, मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्ट है वो हिट्रोजेनियस होते हैं करेक्टरिस्टिक में, और कुछ ही प्रोडक्ट हैं जो होमोजीनियस होते हैं। जो प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक है वो इफेक्ट करेगा कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जैसे अगर जो प्रोडक्ट ऐसा है जो होमोजीनियस नेचर का है, जैसे सॉल्ट, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, तो आप अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करोगे। और अगर प्रोडक्ट डिफर करता है करेक्टरिस्टिक्स में, जैसे टेलीविजन, कार, साइकिल, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो आप डिफरेंशिएटेड या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। देन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर जो फर्म है वो इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू प्रोडक्ट जो, तो जो फर्म का एम है वो है प्राइमरी डिमांड को डेवलप करना, तो उस केस में वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकती है। लेकिन अगर वो फोकस कर रही है सेकेंड स्टेज पर अपनी, जहाँ पर वो ग्रोथ और मेचोरिटी स्टेज में आ जाती है, तो वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी को यूज कर सकती है। देन नेक्स्ट इज योर मार्केट होमोजेनिटी। मार्केट होमोजेनिटी का मतलब है कि
डिग्री क्या है जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने टेस्ट में अलाइक हैं या डिजायर नीड्स प्रेफरेंसेस या अदर करेक्टरिस्टिक में अलाइक हैं। तो होमोजीनियस मार्केट में एक स्ट्रैटेजी जो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी अगर जो कंज्यूमर हैं उसमें डिफरेंस जो है वो नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर जो मार्केट है वो हिट्रोजीनियस है तो आप कंसेंट्रेटेड या डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। देन है कॉम्पिटिटर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटर आपका क्या यूज कर रहा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आप कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे वो स्ट्रैटेजी यूज करके वो इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि जो कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो आप कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस करेगी सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को। अगर जो गवर्नमेंट है वो इशू करती है कुछ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो जो मार्केटर है उसे उसी के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट फॉलो करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ऑर्डर टू मेक अवेलेबल द नेसेसिटीज एट रीजनेबल और कंसेशनल प्राइस। उस केस में जो मार्केटर है उसे जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। हर एक जो स्ट्रैटेजी है उसके अपने बेनिफिट्स हैं अपने उसके डिसएडवांटेजेस है। अकॉर्डिंग टू द मार्केट डायनेमिक्स आपको चेंज करनी पड़ती है स्ट्रैटेजीज। जैसे हम अगर कोको कोला की बात करें स्टार्टिंग में जब वो आई थी वो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी यूज कर रही थी उसके बाद वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी पर आ गई। तो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है मार्केटर चेंज करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।